हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन में एक यूनिवर्सिटी की तालबा ने हाथ की उंगली पर काटने वाले चूहे से बदला ले लिया। चीनी अखबार के मुताबिक 18 साल लड़की को गुज़श्ता साल 21 दिसंबर को चूहे ने उंगली पर काटा था, जिसके बाद इसने चूहे को भगाने या मारने के बजाय मामला अपने हाथ में लेकर इसे खुद ही पकड़ने का फैसला किया। चीनी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अपने मिशन में कामयाब होने के बाद बदले के तौर पर लड़की ने चूहे को पकड़कर इसके सर पर जोर से काटा, जिससे चूहे के सर पर दांतों के निशान भी बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद चूहा मर गया, क्योंकि लड़की ने अपना बदला लेते वक्त इसे दबोच कर पकड़ा हुआ था और इस दौरान इसका दम घुट गया था। चीनी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चूहे को काटते वक्त लड़की के होंठों पर भी चोटें आईं, जिसका इसे फौरी इलाज कराना पड़ा, जिसके बाद अब वो ठीक है। लड़की के साथ रहने वाली दूसरी लड़की का कहना है कि अपने इस अमल पर इसकी दोस्त को पछतावा है। उस लड़की का कहना है कि इलाज करते वक्त डॉक्टर भी हैरान था कि वो इस बारे में क्या कहे है, और इसने इस तरह का वाक्या पहले कभी नहीं देखा। चीनी अखबार के मुताबिक ये वाक्या सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हैरानी का इजहार करने के साथ साथ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। कई लोगों ने इस लड़की को अपने घर मधु करते हुए कहा कि हमारे घर के चूहे का मसला भी हल कर दें। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।